मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा आपका, डॉक्टर विक्रेश उपाध्याय जी का। इनके परिचय में क्या गौरव जो गाँव का मैं हिंदी भाषा में साहित्य गौरव स्वामी विवेकानंद डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी हमारे समक्ष मौजूद है। मैं चाहूंगा जो बता तारीख का स्वागत करें। हम लोग स्वागत नहीं। मैं श्री रत्नाकर सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो पुस्तक से डॉक्टर उपाध्याय का स्वागत वगैरह करें। विविध क्षेत्रों के सशक्त हस्ताक्षर आपके हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर राय साहेब जी। और विद्यार्थियों का एक सपना होता है जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसके दो प्राध्यापक हमारे बीच आज उपस्थित हैं। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है, उनको सुनने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आयोजन समिति को कि उन्होंने इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन को किया है और हम सबको ऐसा अवसर प्रदान किया है कि विभिन्न क्षेत्रों के जो पहुंचे हुए लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनको सुनने का मौका मिला। जहां तक इतिहास की बात है, हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा हम लोगों को जो बताई गई थी, इतिहास का मतलब होता है वास्तव में ऐसा था। पता नहीं कहां तक कितना सच है कितना गलत है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जैसा कि मुझे प्रतीत होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी इतिहास में लिपिबद्ध नहीं है। और ये पूरे जनमानस का प्रयास है, प्रयास होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जो भी चीजें अछूती रह गई है उनको हम सामने ला। भारत गांवों का देश है और जब तक गांव का इतिहास हमें मालूम नहीं होगा, हम भारत के इतिहास को पूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे। गांव के इतिहास को जानने के लिए तीन चीजें जरूरी है, एक है लोक भाषा, एक है लोक भोजन और एक है लोक वेशभूषा। जब तक तीनों को हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसको हम अंगीकृत नहीं करेंगे, तब तक हम गांव के इतिहास के बारे में समुचित रूप से जान नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर जाति की एक भाषा होती है, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है वो वही समाज में है। मुझे ताज्जुब होता है बाहर जब हम जाते हैं देखते हैं विभिन्न प्रदेशों के, जब लोग दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब हम दो भोजपुरी वाले भी मिलते हैं बाहर में तो हम भोजपुरी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शर्म आती है, क्या सोचते हैं तो मैं आज तक नहीं समझ। कभी भी मैंने बाहर भोजपुरी भाषियों को भोजपुरी में वार्ता करते हुए, वार्तालाप करते हुए, आपस में बात करते हुए नहीं देखा, जबकि वहीं पर दो बंगाली मिलेंगे जो कन्नड़ वाले, मलयालम और तेलुगु और उड़िया, सब अपनी अपनी भाषा में जिसको हम समझ नहीं पाते हैं वो लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन जब हम मिलेंगे बिहार के लोग, चाहे जितने बड़ा हुआ ये सत्सर हो, लेकिन अगर बिहार का बिहारी से मिलता है तो बिहारी भाषा में वो लोग बात करते हैं, लेकिन हम भोजपुरी भाषी जो मिलते भी हैं तो हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, भोजपुरी भाषा। और इसीलिए हमारी भोजपुरी जो भाषा है वो पिछड़ी हुई, तमाम लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, राष्ट्रीय दर्जा इसे दिया जाए, लेकिन जब बात करने की जगह आती है तो हम लोग पीछे हो जाए, भोजपुरी में बात नहीं करते।
क्या दिक्कत है? अभी हमने राय साहब जी को सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। काफी दिनों के बाद किसी बड़े साहित्यकार को मैंने इतने नम्र भाषा में, इतने लोक भाषा में बात करते हुए अपनी बात रखते हुए काफी अच्छा लगता। क्योंकि समय कम है और हमारे बीच अभी कई वक्ता शेष है, मैं सुनना चाहूंगा उपाध्याय जी को, ये चौबे जी को, इसलिए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं और पुनः एक बार आयोजन समिति को दिल से धन्यवाद देता हूं और इस धरती को प्रणाम करता हूं जहां 1857 के प्रथम क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे ने जन्म लिया था। इतिहास में इसको असफल बताया गया, इतिहास में 1857 के क्रांति को असफल बताया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि 1857 का जो गदर था, जो क्रांति थी, वो सबसे सफल क्रांति, पहली सफल क्रांति हुई। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब लड़का अपने पैरों पर चलना शुरू करता है तो गिरता है, क्या हम उसकी असफलता मान लेंगे? बच्चे का गिरना उसकी असफलता का द्योतक नहीं है, उसकी शुरुआत है। अगर 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति शुरू नहीं की होती तो शायद आज हम लोग संस्कृति परिस्थिति में। तो मेरा यह मानना है कि 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम सफलता, कहीं जरिए सफलता। हम जो भी इतिहास आज पढ़ते हैं वो तो किसके द्वारा लिखा गया? और सबसे दुख की बात है कि आजादी के बाद भी देश आज 72-75 साल हुआ आजाद हुए, लेकिन इतिहास के सही तरीके से लिखने का सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं। आज जो भी इतिहास हमको पढ़ने को मिलता है आधी अधूरी बातें हैं। बहुत से हमारे राजा हैं, हिंदू राजा, जिनकी कीर्ति हमारे बीच नहीं आई। हमें प्रयास करना है खोज खोज के, जिस क्षेत्र में जो आदमी महान हुआ उसको हम सामने लाए, समाज के सामने लाए, समाज के लिए एक उदाहरण बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहूंगा, समय ज्यादा हो गया है, भोजन का भी इंतजार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्दों के।